हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आस्क लर्निंग। आज हम बात करेंगे, ये आपका चैप्टर साउंड का सेकंड पार्ट है। इससे पहले अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा, इसके बाद इस पार्ट को देखिएगा, ठीक है? तो पूरा का पूरा चैप्टर आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं। इसमें सबसे पहले बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन म्यूजिकल साउंड एंड नॉइस के बारे में। तो इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ कि म्यूजिक क्या होता है एंड साउंड क्या होता है। तो म्यूजिक क्या होता है? म्यूजिक ऐसी साउंड है जो कि प्लीजेंट सेंसेशन प्रोड्यूस करता है। ऐसी साउंड जिसके पास क्या रहता है, प्लीजेंट सेंसेशन रहता है, उसको क्या बोलते हैं, म्यूजिक बोलते हैं। और अगर नॉइस की बात करते हैं तो इसके पास क्या रहता है, ऐसी साउंड जिसके पास अनप्लीजेंट सेंसेशन रहता है उसको नॉइस बोला जाता है। अब इसमें साउंड जो आपका म्यूजिक है, म्यूजिक में क्या, जो साउंड आपकी प्रोड्यूस होती है किससे होती है, ड्यू टू रेगुलर वाइब्रेशन की वजह से। किसकी वजह से, रेगुलर वाइब्रेशन की वजह से। और अगर नॉइस की बात करते हैं तो किससे प्रोड्यूस होती है, बाई इरेगुलर वाइब्रेशन की वजह से। तो ये तो था थोड़ा सा छोटा सा ओवरव्यू था, ये मैंने फर्स्ट क्लास में भी आपको बताया था, तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसमें बात करते हैं इसके डिफरेंस के बारे में। तो देखिएगा, ध्यान समझिएगा, सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट डिफरेंस की। तो फर्स्ट डिफरेंस क्या है कि जो म्यूजिकल साउंड है उसके पास क्या रहता है, प्लीजिंग इफेक्ट रहता है। क्या रहता है, प्लीजिंग इफेक्ट होता है। अगर नॉइस की बात करते हैं वो क्या, कैसी रहती है, इरिटेटिंग रहती है। कैसी रहती है, इरिटेटिंग रहती है, साथ में इसके पास जो इफेक्ट रहता है अनप्लीजेंट इफेक्ट रहता है। क्लियर है? अब बात करते हैं ये जो म्यूजिकल साउंड है प्रोड्यूस होती है बाय द रेगुलर वाइब्रेशन की वजह से। किससे, रेगुलर वाइब्रेशन की वजह से। अगर नॉइस की बात करते हैं तो ये प्रोड्यूस होती है बाय इररेगुलर वाइब्रेशन की वजह से। ठीक है, जो मटेरियल दे रखा है उसमें क्या हो रहा हो, रेगुलर वाइब्रेशन हो रहा है, तो जो साउंड आपकी प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी, म्यूजिकल साउंड होगी। अगर इररेगुलर वाइब्रेशन अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो वो क्या होगी, अगर इरेगुलर वाइब्रेशन की वजह से जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है तो वो साउंड कैसी होगी, आपकी नॉइस होगी। क्लियर है? ये पॉइंट दोनों आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि म्यूजिकल साउंड में क्या होता है, जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन होता है एंड फ्रीक्वेंसी होती है वो सडनली, उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं आता है, अचानक से कोई चेंजमेंट नहीं आता है। लेकिन अगर नॉइस की बात करते हैं तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन हो या फिर फ्रीक्वेंसी हो सकता कि दोनों ही में चेंजमेंट आ जाए, सडनली चेंजमेंट आ जाए, हो सकता है किसी एक में सडनली चेंजमेंट आ जाए। तो ठीक है, तो क्या होता है कि दोनों ही में क्या हो जाएगा, सडनली चेंजमेंट आ जाता है। क्लियर है? तो ये तो हो गया थर्ड पॉइंट। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट के बारे में कि जो वेव फॉर्म्स होते हैं, ये जो कि जो वेव फॉर्म होते हैं वो क्या होते हैं, रेगुलर रहते हैं। किसमें, म्यूजिकल साउंड में। अगर बात करते हैं नॉइस में, तो नॉइस में क्या होता है, जो वेव फॉर्म रहते हैं आपके इररेगुलर रहते हैं। कैसे होते हैं, इररेगुलर होते हैं। क्लियर है? तो ये तो है इसके जो डिफरेंस है, आपको चारों के चारों डिफरेंस आपको याद रखने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको सारे डिफरेंस आपको याद रखने हैं। ठीक है, एक दो बार अपने आप से रिपीट करिएगा, आपको याद हो जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, बेसिकली जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है इनको क्लासिफाइड किया गया थ्री मेन टाइप में। किसके बेसिस पे, कि क्या चीज़ वाइब्रेट हो रही है, जो चीज़ वाइब्रेट हो रही है उसके बेसिस पे इसको क्लासिफाइड किया गया, जिसमें कि फर्स्ट है आपका ईयर एंड सेकेंड बना है आपका स्ट्रिंग और थर्ड बना आपका स्टैट मेम्ब्रेन। क्या है, स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन। तो एक एक करके इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं विंड इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। किसके बारे में, विंड इंस्ट्रूमेंट के बारे में। इसको सुशीर वाद भी बोला जाता है। क्या, सुशीर वाद भी बोला जाता है इसको। तो आप इसका दूसरा नाम भी याद रखिएगा, जैसे आपका फ्लूट हो गया, सहनाई हो गया, पुंगी हो गया, एंड आपका सैक्सोफोन हो गया, एंड क्लीनेट हो गया, फ्रेंच हॉर्न हो गया, एंड ट्रम्पेट हो गया, एंड आपका ट्रम्बोन हो गया। ये सारे एग्जांपल हैं किसके, विंड इंस्ट्रूमेंट के। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो साउंड आपकी प्रोड्यूस हो रही है किसकी वजह से होता है, ईयर वाइब्रेशन की वजह से। क्या हो रहा है, ईयर का वाइब्रेशन हो रहा है, इसकी वजह से साउंड आपकी प्रोड्यूस होती है। सॉरी, क्या होता है, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इसमें क्या होता है, इसमें जो पार्ट रहता है हॉलो रहता है इसका, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इनसाइड वाला पार्ट है, यहाँ पर ट्रम्पेट बना हुआ है या फ्रेंच हॉर्न कोई भी देख लीजिए आप, इसमें क्या है कि यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या है, हॉलो रहता है। क्या रहता है, हॉलो पार्ट रहता है। तो इसमें क्या, इसमें ईयर फिल्ट रहती है। तो जैसे ही आप इसको प्ले करना स्टार्ट करते हैं, ईयर का क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। जैसे ईयर वाइब्रेट होती है वैसे ही आपका साउंड प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। क्लियर है? अब बात करते हैं कि अगर पिच और फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं विंड इंस्ट्रूमेंट में, तो वो क्या होता है, वो चेंज होती है। जैसे अगर हम जो ईयर कॉलम है, अगर एयर कॉलम की अगर लेंथ हम इंक्रीज कर दें या डिक्रीज कर दें, मीन्स चेंज कर दें, तो फ्रीक्वेंसी और पिच का, जो फ्रीक्वेंसी और पिच है वो भी चेंज होना स्टार्ट हो जाता है।
क्लियर है। तो क्या होता है, पिच और फ्रीक्वेंसी ऑफ विंड इंस्ट्रूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट्स होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, पिच है, वो भी चेंज हो जाएगी अगर आपने क्या कर दिया, एयर कॉलम की जो लेंथ है उसको चेंज कर दिया। क्लियर है। तो इस पॉइंट को हम समझेंगे, एक एक्टिविटी दे रखी है इसके बेसिस पे, ये जो पॉइंट है आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है, इसमें आपको क्या करना है, टू शो दैट पिच ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ वाइब्रेटिंग एयर कॉलम। तो जो पिच है आपकी, ये आपको शो करना है, प्रूव करना है कि जो पिच है साउंड की, वो क्या करती है, डिपेंड करती है किस पर, लेंथ ऑफ वाइब्रेटिंग एयर कॉलम। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको ये देखो जितनी भी एक्टिविटीज़ रहती हैं आप इनको घर पे कर सकते हैं, मैक्सिमम एक्टिविटीज़ रहती हैं आप इनको घर पे कर सकते हैं। अगर आपके पास जो मटेरियल है, अगर आपके पास हैं तो आप इनको सारी जो एक्टिविटी घर पे कर सकते हैं, तो इसको भी कर सकते हैं आप। इसमें क्या आपके पास फोर टेस्ट ट्यूब होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फोर टेस्ट ट्यूब होना चाहिए, एक बीकर होना चाहिए जिसमें कि वाटर फिल्ड हो, एंड आपके पास एक टेस्ट ट्यूब होल्डर होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से नाम दे रखे ए बी सी डी इस तरह से, तो फोर आपकी क्या है टेस्ट ट्यूब है, आपने क्या किया इसमें वाटर फिल्ड कर दिया, एक में थोड़ा सा कम किया, दूसरे वाले में थोड़ा ज़्यादा, फिर इस तरह से आप इंक्रीज करते चले गए। तो अब जो वाटर का लेवल है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ए टू डी। लेकिन आप इसके अपोजिट भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि जो एयर कॉलम है, जो एयर कॉलम है वो एयर कॉलम की जो लेंथ है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ए टू डी हो रही है। अब आप क्या करिए, आप एयर को विलो करिए, आप क्या, सॉरी, आप एयर को क्या करेंगे, एयर बिलो करिए, एयर को आप जैसे ही बिलो करेंगे, एयर को आप अपने मुंह से आप क्या करेंगे, इस पर अपने जो लिप्स है उस पर रख के एयर को क्या करेंगे, बिलो करेंगे, तो क्या होगा, आपको साउंड, आपको साउंड सुनाई देगी, डिफरेंट डिफरेंट तरह की आपको साउंड सुनाई देगी, इसमें कुछ और साउंड होगी, इसमें कुछ और, इसमें कुछ और, हर में क्या होगी, साउंड आपको कुछ ना कुछ सुनाई देगी। ठीक है, अब आपको वो साउंड सुनना है, देखना है, तो क्या होगा, अगर ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं तो जो आपकी साउंड प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी, जैसे आप ए टू डी जाएंगे, ए टू डी जाएंगे तो आपकी साउंड कैसी होती चली जाएगी, आपकी मोर सिरिल साउंड प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है, साउंड आपकी कैसी होगी, ज़्यादा सिरिल साउंड प्रोड्यूस हो जाएगी। मीन्स आप क्या बोल सकते हो, जो पिच है साउंड की, जो पिच है वो क्या हो रही है, ए टू डी इंक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, ए टू डी इंक्रीज हो रही है। आप इसके साथ एक चीज़ और भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि जैसे ही अगर आपने जो लेंथ है, जो लेंथ है एयर कॉलम की आपने क्या कर दी, डिक्रीज कर दी, क्योंकि यहाँ पर क्या बहुत कम है, यहाँ पर ज़्यादा है, अगर आपने जो लेंथ है एयर कॉलम की उसको डिक्रीज कर दिया, अगर डिक्रीज कर दिया तो क्या होगा, पिच ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है। अगर आपने क्या कर दिया, लेंथ को आपने क्या कर दिया, लेंथ को आपने डिक्रीज कर दिया, क्लियर है, तो पिच आपकी क्या हो जाएगी, पिच ऑफ द एयर कॉलम आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, लेंथ ऑफ द एयर कॉलम आपने क्या कर दी, डिक्रीज कर दी, तो पिच ऑफ द वाइब्रेटिंग एयर कॉलम वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये तो है एक्टिविटी। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, स्प्रिंग इंस्ट्रूमेंट, किसकी बात करते हैं, स्प्रिंग इंस्ट्रूमेंट की। इसको क्या बोला जाता है, तंतु वाद्य भी बोला जाता है। तो सेकंड जो नाम है वो आपको ध्यान रखना है, तंतु वाद्य, क्या, तंतु वाद्य, ठीक है, सॉरी, तंतु वाद्य। अब इसकी बात करते हैं, इसमें क्या, वायलिन हो गया, या आपका गिटार हो गया, सितार हो गया, सरोद हो गया, वीणा है एंड सेलो है, ये क्या है, ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं किसकी वजह से, जो आपकी स्ट्रिंग है, जो आपकी स्ट्रिंग है उसका क्या हो रहा है, उसके वाइब्रेशन की वजह से। लेकिन जो वाइब्रेशन हो रहा है, जो वाइब्रेशन आपका हो रहा है वो क्या, किस तरह से हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं उस स्ट्रिंग को, या तो आप प्लकिंग कर रहे हैं, या तो स्ट्राइकिंग कर रहे हैं, या फिर आप उस पर क्या कर रहे हैं, एक बो होता है, बो को क्या, उसके ऊपर आप क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, इसकी वजह से उसमें वाइब्रेशन हो रहा है, और वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। अब क्या होता है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट के पास कुछ, इसके पास वुडन फ्रेम भी रहता है जो कि पार्शियली होलो रहता है। ठीक है, क्या रहता है, वुडन फ्रेम रहता है, आप इसको यहाँ से देख सकते हैं, ये दिख रहा है ना, ये यहाँ पर दिख रहा है, ये क्या है, वुडन फ्रेम, आपका वुडन फ्रेम है जो कि पार्शियली होलो रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इसके पास जो स्ट्रिंग रहती है वो डिफरेंट डिफरेंट थिकनेस की रहती है। स्ट्रिंग क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट थिकनेस की रहती है, इस वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होती है, डिफरेंट डिफरेंट पिच की साउंड प्रोड्यूस होती है, इससे जो प्लेयर होते हैं वो क्या करते रहते हैं, वो प्लेयर रहते हैं, या तो आपने देख लिया कि थिकनेस क्या रहती है, थिकनेस अलग अलग डिफरेंट रहती है, इस वजह से जो साउंड है डिफरेंट पिच की जो साउंड प्रोड्यूस होती है। लेकिन क्या करते हैं, जो प्लेयर होते हैं,
क्लियर क्या कर सकते हैं, जो लेंथ है, जो लेंथ होती है, जो लेंथ रहती है स्ट्रिंग की, उसको क्या, उसको भी चेंज कर सकते हैं। जैसे उसको चेंज किया तो साउंड क्या होती है, साउंड डिफरेंट डिफरेंट साउंड भी प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। तो दोनों काम हो सकते हैं, थिकनेस की वजह से डिफरेंट पिच की साउंड प्रोड्यूस हो रही है, और अगर लेंथ, जो लेंथ है आपकी, जो वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग की जो लेंथ है उसको चेंज कर दिया तो क्या हो जाएगा, जो साउंड है वो भी डिफरेंट टाइप्स की साउंड प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। तो दोनों चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपका इंस्ट्रूमेंट है। तो अब देखिएगा, कुछ एक्टिविटीज़ दे रखी हैं, उसके बेसिस पे आप समझ सकते हो। फर्स्ट है, फर्स्ट आपका किस पे होगा, थिकनेस पे होगा, और सेकंड आपका किस पर होगा, लेंथ पे होगा, जो एक्टिविटीज़ है आपकी। तो पहली एक्टिविटी की बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे टू शो डैट द पिच ऑफ द साउंड डिपेंड ऑन थिकनेस ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। तो वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग पर डिपेंड कर रही है जो पिच है आपकी, थिकनेस उसकी थिकनेस पर डिपेंड कर रही है। तो इसको प्रूव करना है आपको, कैसे प्रूव करेंगे, आपको क्या करना है, एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड लेना है, ठीक है, रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड लेना है, और आपको रबर बैंड भी लेना है डिफरेंट थिकनेस के, और उसके ऊपर आपको इस तरह से यहाँ पर लगा देना है, इस तरह से ऊपर ऊपर आपको जो रबर बैंड है वो लगा देना है, यहाँ पर लगे भी हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट थिकनेस के। लेकिन एक आपको काम करना है कि एक ऑर्डर में लगाना है, आपको जो थिकनेस है यहाँ पर कम थिकनेस वाला होगा और थिकनेस आपको इंक्रीज करते चले जाना है, ठीक है। अब एक एक करके आप उनको प्लग करिएगा, क्या करेंगे आप, प्लगिंग करेंगे, प्लग करेंगे तो क्या होगा, कुछ ना कुछ साउंड सुनाई देगी आपको, वो साउंड को आपको सुनना है, वो साउंड आपको क्या करना है, सुनना है। अब आपको जो साउंड सुनना है और आपको बताना है कि कौन सी साउंड हाईएस्ट पिच की साउंड है, कौन सी साउंड हाईएस्ट पिच की है। अगर ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं तो इसमें क्या है कि जो जो थिकनेस है, जो मिनिमम थिकनेस वाली आपका रबर है, जो रबर बैंड आपकी मिनिमम थिकनेस वाली है, उसके पास उसकी जो, उससे जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी, हाईएस्ट पिच की साउंड प्रोड्यूस होगी। एक बार और बोल रहा हूँ कि जो आपकी जो रबर बैंड है जिसकी थिकनेस कम है, जिसकी थिकनेस मिनिमम है, उससे आपकी साउंड प्रोड्यूस होगी, कैसी होगी, होगी हाईएस्ट पिच की साउंड प्रोड्यूस होगी। लेकिन जो मैक्सिमम थिकनेस जिसकी क्या है, जिसकी रबर बैंड की मैक्सिमम थिकनेस है, उससे जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी, लोअर पिच की होगी। तो आप ओवरऑल जो कंक्लूजन निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं कि अगर आपने क्या कर दिया, थिकनेस को आपने इंक्रीज कर दिया, आपने क्या कर दिया, थिकनेस को इंक्रीज कर दिया, तो क्या होगा कि आपकी जो पिच है, जो पिच है, पिच ऑफ साउंड क्या हो जाएगी, वो आपकी डिक्रीज हो जाएगी। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना, अगर आपने क्या कर दिया, थिकनेस को इंक्रीज कर दिया, तो आपकी पिच ऑफ साउंड क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं, इसमें क्या आपको प्रूव करना है, इसमें करना है पिच ऑफ द साउंड डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, कि जो लेंथ है वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग की उस पर डिपेंड करती है क्या, पिच ऑफ द साउंड। तो आपको सेम, आपको क्या करना है, एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड लेना है, ठीक है, उसके बाद आपको एक पेंसिल लेनी है और रबर बैंड लेना है। यहाँ पर आपने क्या किया, रबर बैंड लगाया, रबर बैंड इस तरह से लगाना है और उसके नीचे पेंसिल को इस तरह से भी लगाना है कि जो रबर बैंड है दो पोर्शन में, अनइक्वल पोर्शन में डिवाइड हो जाए, एक आपका लॉन्गर पोर्शन हो और एक आपका शॉर्टर पोर्शन हो, दो पोर्शन में डिवाइड हो जाए, क्लियर है, किसमें, दो पोर्शन में वो डिवाइड हो जाए। तो अब आपको क्या करना है कि दोनों पोर्शन को आपको प्लग करना है, एक एक करके आपको प्लग करना है, प्लग करके देखना है कि किस तरह की जो साउंड है वो प्रोड्यूस हो रही है, क्लियर है। तो अब आप देखेंगे जैसे आप इनको प्लग करेंगे, एक एक जो पोर्शन है, तो जो शॉर्टर वाला पोर्शन है, जो छोटा वाला पोर्शन है, उसको आप प्लग करेंगे तो जो साउंड उससे प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी, हाई, उसकी जो जो श्रिलनेस है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, हाई श्रिल की साउंड प्रोड्यूस होगी जो छोटे वाले पोर्शन को आप उसको क्या प्लग करेंगे, ठीक है। और जो साउंड होगी वो क्या होगी, उसकी पिच भी क्या होगी, हाई पिच की साउंड होगी। अगर आप लॉन्गर वाले को करेंगे तो उसमें एज कम्पेयर टू उसमें क्या होगी, लो पिच की साउंड प्रोड्यूस होगी। तो इससे जो कंक्लूजन निकल के आता है, क्या कंक्लूजन निकल के आता है, अगर आपने क्या कर दिया, आपने जो लेंथ है वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग की वो क्या कर दी, इंक्रीज कर दी, अगर लेंथ जो वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग की वो आपने क्या कर दी, इंक्रीज कर दी, तो क्या होगा, जो पिच है आपकी, पिच क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, पिच ऑफ द साउंड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, अगर आपने लेंथ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग क्या कर दी, इंक्रीज कर दी। तो दोनों ही पॉइंट आपको क्लियर हो गया होंगे एक्टिविटी की, जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी हेल्प से, क्लियर है। तो ये तो था सेकेंड वाले इंस्ट्रूमेंट का, इंस्ट्रूमेंट के लिए। अब बात करते हैं परक्यूजन इंस्ट्रूमेंट, कौन सा, परक्यूजन इंस्ट्रूमेंट, इसको इसको अवंदु वाद्य भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, अवंदु वाद्य। तो परक्यूजन इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, जैसे कि इसमें ड्रम हो गया आपका, एंड तिम्पानी हो गया, एंड और आपका स्नेयर ड्रम हो गया, तबला हो गया, ढोलक हो गया, एंड
मरीडंगम हो गया, तो ये सारे क्या है, ये आपके परक्यूजन इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इसमें जो साउंड प्रोड्यूस होती है किसकी वजह से, जो स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन है, जो स्ट्रेस मेम्ब्रेन है उसकी वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। अब जो स्ट्रेस मेम्ब्रेन है, जो मेम्ब्रेन है आपकी, वो क्या होती है, उसको आप जब स्टक करेंगे तो क्या वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है और वहाँ से फिर आपकी साउंड प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। अब कुछ इंस्ट्रूमेंट और होते हैं जैसे कि सिंबल हो गया एंड जाइलोफोन हो गया, इससे जो साउंड प्रोड्यूस होती है पूरे के पूरे जो होल बॉडी होती है उसके वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, जो सिंबल हो गया जाइलोफोन हो गया पूरा का पूरा होल जो बॉडी है उसके वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। अब ऐसे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे साउंड प्रोड्यूस हो रही है, कैसे साउंड प्रोड्यूस हो रही है, आप उसको स्ट्राइकिंग कर रहे हैं या फिर शेकिंग कर रहे हैं या फिर स्क्रैपिंग या फिर रबिंग कर रहे हैं, तो इस वजह से जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है उनको बोला जाता है परक्यूजन इंस्ट्रूमेंट्स। अब जो परक्यूजन इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनको क्लासिफाइड किया गया, दो ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया, एक तो पिच्ड बोला जाता है और दूसरा अनपिच्ड, ठीक है, एक पिच्ड और दूसरा अनपिच्ड। तो एक एक करके इनके बारे में समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पिच्ड इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो पिच्ड में क्या रहता है कि जो आपकी साउंड प्रोड्यूस होती है वो मोर देन वन पिच, उसमें जो पिच होती है मोर देन वन पिच की साउंड प्रोड्यूस होती है, किसके अंदर, पिच्ड इंस्ट्रूमेंट के अंदर। लेकिन अनपिच्ड की बात करते हैं तो इसमें कोई भी डेफिनेट जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है उसमें कोई भी डेफिनेट पिच की साउंड प्रोड्यूस नहीं होती है, किसके अंदर, अनपिच्ड के अंदर। नाम से ही क्लियर हो रहा है, अनपिच्ड इसका मतलब कोई डेफिनेट पिच नहीं है। बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। तो सेकंड पॉइंट में क्या है कि जो आपकी साउंड प्रोड्यूस हो रही है उसमें क्या, म्यूजिकल नोट्स, ठीक है, ये जो साउंड है म्यूजिकल नोट्स प्रोड्यूस करते हैं, क्लियर है। इस जो इंस्ट्रूमेंट है, जो इंस्ट्रूमेंट है ऐसी साउंड प्रोड्यूस होती है जो कि मतलब बोल सकते हैं कि म्यूजिकल नोट्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। म्यूजिकल नोट्स आपको प्रोड्यूस करना है तो किससे प्रोड्यूस करेंगे, आप पिच्ड इंस्ट्रूमेंट से प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं अनपिच्ड इंस्ट्रूमेंट की, तो इसमें जो साउंड आपकी प्रोड्यूस होती है वो रिदम में तो आती है लेकिन इररिस्पेक्टिव रहती है, किसके, सॉन्ग हारमोनी की इररिस्पेक्टिव रहती है। सॉन्ग हारमोनी की क्या रहती है, इररिस्पेक्टिव रहती है, किसके अंदर, अनपिच्ड इंस्ट्रूमेंट के अंदर। अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो अगर पिच्ड इंस्ट्रूमेंट की एग्जाम्पल की बात करते हैं, जाइलोफोन हो गया या मैरिम्बा हो गया या इसके ट्यूबलर बेल हो गया, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। अगर इसकी बात करते हैं अनपिच्ड की, तो स्नेयर ड्रम हो गया एंड आपका सिंबल हो गया, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। तो आपको इसके एग्जाम्पल भी याद रखने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, बात करेंगे मोनोटून के बारे में, ठीक है। तो मोनोटून क्या होती है समझिएगा ध्यान से, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हैं या फ्रेंड से बात कर रहे हैं, मान लो आप टीचर से ही बात कर रहे हैं या अपने सिबलिंग से किसी से बात कर रहे हैं, तो क्या होता है कि जो आपकी साउंड है या उसकी पिच है, वॉल्यूम है, रिदम है या टिम्बर है, और जो स्पीड है, कोई भी चीज़ आप बोल रहे हैं, कुछ भी आप बोल रहे हैं, तो उसको ऐसा नहीं कि एक बिल्कुल आप फ्लो में एक फ्लैट टून में आप बोल देंगे, तो उसमें कुछ एक्सप्रेशन भी आपके होने चाहिए, क्या होने चाहिए, एक्सप्रेशन भी होने चाहिए। जैसे कुछ आप वर्ड्स बोल रहे हैं, आपको स्ट्रेस है तो आपके वर्ड्स में क्या स्ट्रेस भी होना चाहिए, या आप मान लो कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसमें भी आपके जो एक्सप्रेशन है वो दिखने चाहिए। आप अगर इमोशन में है तो इमोशन वाले आप जो एक्सप्रेशन वो दिखने चाहिए। मीन्स इसका जो बेस्ट एग्जांपल है आप उससे समझ सकते हैं कि आप स्पीच दे रहे हैं, तो अगर आप स्पीच दे रहे हैं तो अगर आपकी जो टून है वो वेरी नहीं कर, आपकी जो ट्यून है सॉरी आपकी अनवेरी है, ठीक है, वेरी नहीं कर रही है, मीन्स क्या है कि बिल्कुल फ्लैट टून में आपने सब चीज़ सारी चीज़ें बोल दी, तो लोग क्या हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे, उनको कुछ समझ में आएगा, नहीं आएगा। तो ऐसी साउंड जो कि क्या होती है, नेवर चेंज, मतलब उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं आ रहा है, ना अप हो रही है ना डाउन हो रही है, उसको बोला जाता है मोनोटून। क्या बोला जाता है, मोनोटून, मीन्स ऐसी साउंड जिसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं है आ रहा है, कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, ना अप जा रही है ना डाउन जा रही है, उसको बोला जाता है मोनोटून। वो बिल्कुल फ्लैट ट्यून होती है, फ्लैट साउंड होती है ना, तो या आप बोल सकते हो मोनोट्यून में कोई भी चेंजमेंट नहीं आता, ना तो इसके पिच के अंदर आता, ना लाउडनेस और ना टिम्बर, मीन्स कोई भी ना इसकी स्पीड में कोई भी चेंजमेंट नहीं आता है, कोई भी चेंज नहीं आता है, उसको बोलते हैं मोनोटून। अब जैसे अगर मान लो आप कोई भी पर्सन है मोनोटून में बात कर रहा है, किसमें, मोनोटून में बात कर रहा है, मीन्स जो वॉइस आपकी बिल्कुल फ्लैट है, फ्लैट का मतलब क्या, बोरिंग, बिल्कुल बोरिंग है, तो जो पर्सन है ना तो कोई इंटरेस्ट लेगा, मीन्स जो ऑडियंस है आप, आपको अगर मैसेज आप जो भी आपको मैसेज है उसको डिलीवर करना है, तो जो आपका मैसेज है वो अच्छे से वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, लोग उसको मतलब बोर हो जाएंगे, समझ में नहीं आएगा, उनको कम्युनिकेट नहीं हो पाएंगे, ऑडियंस से आप कम्युनिकेट नहीं हो पाएंगे, अगर आपकी जो जो स्पीच है बिल्कुल आपकी फ्लैट है, मोनोटून में, मीन्स क्या है, एक्सप्रेशन आपको उसमें, जो आपकी वॉइस है, साउंड है, उसमें एक्सप्रेशन भी शो होना चाहिए, क्लियर। तो मोनोटून के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा, मोनोटून ऐसी साउंड है जो कि नेवर, कुछ भी चेंज नहीं होता उसमें, जो आपकी पिच है
लाउडनेस है, स्पीड है, वो बिल्कुल कॉन्स्टेंट रहती है, सेम रहती है, उसमें कोई भी अप डाउन चेंजमेंट नहीं होता है। क्लियर है, ये तो हो गया मोनो टून के बारे में। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, यूनिट ऑफ लाउडनेस। क्या होती है यूनिट ऑफ लाउडनेस? आपकी जो यूनिट होती है लाउडनेस की क्या होती है? डेसीबल। क्या होती है? डेसीबल। तो जो आपका डी होता है वो स्मॉल रहता है और बी आपका कैपिटल रहता है, इस तरह से आपको लिखना है जो यूनिट है डेसीबल होता है। अगर ह्यूमन ईयर की बात करते हैं तो जो साउंड है कितना सुन सकते हैं? 10 से लेकर 180 तक उसको पिकअप कर सकते हैं साउंड को, 10 से लेकर 180 डेसीबल तक। लेकिन अगर नॉर्मल अगर नॉर्मल वे की बात करें तो 50 से 60 डेसीबल होती है जो कि नॉर्मल कंडीशन में वो सुन सकते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं 80 से जैसी ऊपर हुई तो टॉलरेटेड साउंड वो क्या टॉलरेटेड साउंड हो सकती है? अगर मान लो 80 से मतलब अगर 80 तक हुई है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, अगर 80 तक है तो वो टॉलरेटेड साउंड है। अगर जैसे अगर 80 से ऊपर हो जाती है, अगर 80 से ऊपर हो जाती है तो वो हार्मफुल इफेक्ट भी जो अपने ईयर है जो आपके कान है उनको हार्म भी कर सकती है ना। तो 80 से आपको ऊपर साउंड नहीं रखना है, जैसे आप ईयरफोन पे सॉन्ग वगैरह सुनते हैं तो आपको नॉर्मल आवाज़ रखनी चाहिए, ट्रैफिक वगैरह में फंस जाते हैं तो वो क्या है वो आपको जो हार्मफुल इफेक्ट भी आपको आपको कर सकती है, हार्म कर सकती है आपको। क्लियर है? तो ये जो साउंड है आपको ध्यान रखना है। तो चलिए बात करते हैं कुछ और टेबल में दे रखे हैं जो डेसिबल लेवल दे रखे हैं, जैसे थ्रेशोल्ड हेयरिंग हो गया, थ्रेशोल्ड ऑफ हेयरिंग हो गया, वो कितना होता है? 0 डेसिबल होता है उसकी जो साउंड जो डेसिबल लेवल है। बात करते हैं जो रस्टलिंग ऑफ लीव, तो उसकी जो डेसिबल लेवल कितना रहता है? 10 से 12 रहता है। एंड विस्पर उसका 20 से 25 रहता है, या नॉर्मल कन्वर्जेशन जो आप बात वगैरह करते हैं वो क्या रहता है? 60 से 65 डेसिबल। अगर कोई स्ट्रीट ट्रैफिक की बात करते हैं तो कितना रहता है? 70-75 डेसिबल। अगर वैक्यूम क्लीनर की बात करते हैं तो 80-85 रहता है। अगर लार्ज ऑर्केस्ट्रा वगैरह बात करते हैं तो 90-98 पहुंच जाता है। एंड हेडफोन जो आप मैक्सिमम वॉल्यूम पर सुनते हैं उसका क्या रहता है? 100 से 105 डेसिबल तक जो डेसिबल लेवल रहता है। अगर जेट एयरक्राफ्ट की बात करते हैं तो उसका लेवल क्या रहता है? 130 से 140 डेसिबल। तो ये सारी चीज़ें आपको एक बार देख लेनी अच्छे से, ध्यान रखिएगा। तो दिस इज द होल एनालिसिस ऑफ दिस टॉपिक। ये आपका जो चैप्टर है अब ख़त्म हो चुका है, मैक्सिमम आपका फिजिक्स का 90% सिलेबस ख़त्म हो चुका है। एक आपका और चैप्टर बचा हुआ है, मैं उसको बहुत जल्दी ख़त्म कर दूंगा, ठीक है? इतना जल्दी भी नहीं है, बहुत सारा टाइम बचा हुआ है आप लोगों के पास, ठीक है? और जो मैथ्स की सीरीज है, मैथ्स की बहुत जल्दी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आप लोगों के लिए, मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट कर दूँगा, क्योंकि मेरा जो मेन सब्जेक्ट है वो मैथ्स ही है, ठीक है? और मैथ्स और फिजिक्स, तो और बाकी तो मैं पढ़ाता ही हूँ, बाकी तो सब मैक्सिमम केमिस्ट्री भी पढ़ा देता हूँ और सब्जेक्ट भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन इतना टाइम कहाँ रहता है मेरे पास। तो मैथ आपका बहुत जल्दी मैथमेटिक्स स्टार्ट करने वाला हूँ। इस चैप्टर में कोई भी अगर आपको डाउट हो, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप कमेंट किया करिए। कोई भी आपको मान लो मेरी हो सकता है वॉइस में कोई प्रॉब्लम हो या कुछ वर्ड्स मैंने इधर उधर कर दिए हैं, है ना? कभी कभी क्या हो जाता है क्योंकि इतना लंबा लंबा कभी कभी रिकॉर्ड करना पड़ता है, ये तो छोटा है तो इसमें इधर उधर हो जाते हैं कुछ वर्ड्स, तो आप उनको इग्नोर किया करिए। और आप कोई भी अगर चीज़ नहीं समझ में आती है आप कमेंट किया करिए, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा आपका, ठीक है? और अगर वीडियो आप जो जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट उस पर कर सकते हैं, ठीक है? अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर किया करिए, और अपने जो फ्रेंड्स हैं जो कोचिंग वगैरह ट्यूशंस वगैरह नहीं कर सकते उनके साथ शेयर करिएगा इसको, जिससे कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे से पढ़ सकें चैप्टर को। और जब मैथमेटिक्स स्टार्ट हो जाएगा तो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम्स है ऑनलाइन क्लासेस में, उनको नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं बहुत जल्दी उसके जो मैथमेटिक्स की जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट करने वाला हूँ। और अगर आपको इस चैप्टर का पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा, उस पर सारे मैंने पीडीएफ उस पर सारी पीडीएफ मैं उसी पर डाल देता हूँ, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।